भूल गए होंगे, मैं याद दिलाता हूँ। ठीक, चुनाव से पहले धामी जी ने कहा था कि कॉमन सिविल कोड लागू करूंगा, ड्राफ्ट बनेगा, ऐसा ना हो कि जैसे लोकायुक्त आ रहा था। लोकायुक्त तो आया नहीं अब तक, आएगा भी नहीं अब 5 साल और। तो ये कॉमन सिविल कोड वाला जो शिगुफा छोड़ा था आपने, ये जुमला साबित ना हो, पहली बात है ना सर। मैं आप ही का घोषणा पत्र याद दिला रहा हूं, आप ही का। जैसे कि आपने कहा था कि बीपीएल महिलाओं को 2 साल में 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे, 3 मुफ्त सिलेंडर। अमरजीत भाई भूल सकते हैं, मैं नहीं भूलूंगा। अमरजीत भाई, 3 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया है इन्होंने, 3 मुफ्त। और गरीब महिलाओं को पेंशन का वादा किया है आपने, क्या पेंशन का? आपने कहा है कि किसानों को केंद्र के समान सम्मान निधि देंगे। ये सारे वादे हैं आपकी उस वादों की पोटली में। लोकायुक्त तो भूल जाओ 5 साल। वर्मा जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक कह रहे। मैं बोलूं सर? सर प्लीज कंटिन्यू, फाइनल कमेंट आपका। तिलक जी देखिए, जिस तरह से आपने कहा कॉमन सिविल कोड की बात करी, तो मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारी कैबिनेट की जो भी अब बैठक होएगी, पहली बैठक, उस पहली बैठक में कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट लाया जाएगा और बहुत जल्द एक पूरे टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको लागू भी करेंगे, जैसे लोकायुक्त लागू किया। दूसरे सर मेरे को बोलने दीजिए प्लीज। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मैं अपने न्यूज रूम में खड़ा हूँ, मैं अपने सहयोगियों से चाहूंगा वर्मा जी का ये ऑडियो क्लिप काटे। पहली कैबिनेट की बैठक में वो कह रहे हैं कि हम कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट लेकर आएंगे, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। ब्रेकिंग चलाओ वर्मा जी का नाम लेकर, प्लीज कंटिन्यू वर्मा जी। सर दूसरा आपने कहा बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को 3 मुफ्त सिलेंडर, 3 मुफ्त। जो हम तिलक जी, सबसे बड़ी बात क्या है, देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी वायदे किए जाते हैं उसके ऊपर पूरा पूरा विश्वास करती है। मुझे मत घुमाओ वर्मा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में किसी प्रकार का सर 950 रुपए का सिलेंडर दिल्ली में हो गया है, अब सोचो पहाड़ पर कितने का होगा सिलेंडर। तो सिलेंडर के बोझ को कम करना है, 3 सिलेंडर मुफ्त देने आपको, 3 सिलेंडर जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दृष्टि पत्र में जो जो वायदे जनता के साथ किए, हम अक्षरशः है उसका पालन करेंगे। उसके अलावा आपने एक पेंशन की बात कही, तो पेंशन वाली जो बात कही उसका भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह पालन करेगी। किसानों को केंद्र के सम्मान निधि किसानों के लिए कही है आपने, किसानों के लिए जो सम्मान निधि की बात हुई है वो भी अक्षरशः भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। हमारी सरकारें उन सब चीजों को अक्षरशः पूरा करेगी। भू कानून लाना है आपने, भू कानून। तिलक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। हाँ सर, मैंने तो देखा है, मैंने कहा ना, लोकायुक्त को लेकर भी देखा है, गैरसैंण को लेकर भी देखा है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने 500 रुपए का सिलेंडर देने का एक झूठा शिगुफा छोड़ा था, जनता इनके झूठे शिगुफे में ट्रैप नहीं हुई। पुरानी पेंशन योजना जानती थी, पुरानी पेंशन योजना जानती थी, कांग्रेस जो बोलती है वो करती नहीं है। चलिए और सर, कांग्रेस को मौका दिया होता तो, सर कांग्रेस पर यकीन होता तो जनता मौका दे देती ना उनको। ये चुनौतियां हैं, चुनौतियों का ताज है। कल से फिर आंकड़े लेकर बैठूंगा वर्मा जी, बेरोजगारों के फिर से बैठूंगा, फिर से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।